पूरी इंडस्ट्री लगातार ग्रोथ कर रही है और सितारे की चमक भी बढ़ रही है। ये इंडस्ट्री बाकी तमाम रीजनल फिल्म इंडस्ट्री को टक्कर देती है। भोजपुरी एक्टर फिल्मों के लिए अच्छी खासी फीस लेते हैं। आइए जानते हैं कि पवन खेसारी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ जैसे सुपरस्टार एक एक फिल्म के लिए कितनी फीस चार्ज करते हैं। जी हाँ, पहले बात कर लेते हैं पवन सिंह के बारे में। आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी दमदार एक्टिंग और सिंगिंग के लिए मशहूर पवन सिंह एक फिल्म के लिए 45 से 50 लाख रुपए तक लेते हैं। पवन सिंह के फैंस उन्हें भोजपुरी फिल्मों का सलमान खान कहते हैं। अब बात कर लेते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव बेहतरीन एक्टर के साथ सिंगर भी हैं। उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में शुरुआत करने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। खेसारी लाल यादव महंगे एक्टर्स में से एक हैं और एक फिल्म के करीब 45 लाख रुपए फीस लेते हैं। अब बात कर लेते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में। दिनेश लाल यादव निरहुआ को लोग निरहुआ के नाम से भी जानते हैं। वह निरहुआ नाम से फिल्में और म्यूजिक एल्बम पर काम कर चुके हैं। वह भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं। दिनेश लाल यादव फिल्म करने के करीब 40 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। निरहुआ ने राजनीति में भी किस्मत आजमाई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। चलिए आप बात कर लेते हैं रवि किशन के बारे में। जी हाँ, तो भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार रवि किशन इस समय देश की सबसे बड़ी पंचायत में प्रतिनिधि हैं। जी हाँ, उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। रवि किशन एक फिल्म के करीब 55 लाख रुपए चार्ज करते हैं। उन्होंने भोजपुरी के अलावा बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। जी हाँ, तो इनमें से आपका फेवरेट सुपरस्टार कौन सा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 भोजपुरी से सुरभि की रिपोर्ट।